नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों, इन 1947 हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया में फॉरेन कंपनीज जो थी उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, और जो फॉरेन एक्सचेंज की, ये जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज की जो भी ट्रांजेक्शन होती थी या फंक्शन होते थे, उनके अंदर रेगुलरिटी लाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 को एस्टेब्लिश किया। दोस्तों, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था उसकी शॉर्ट फॉर्म थी फेरा। तो दोस्तों, जो फेरा 1947 एक्ट था उसे कुछ टाइम के बाद फेरा 1973 से रिप्लेस किया गया था। दोस्तों, जो रिप्लेस करने के बाद जो एक्ट बना था वो था फेरा। दोस्तों, जो एक्ट था वो सेम ही रहा, बट जो इसका सन था, जो ईयर था, वो चेंज किया गया। वो जो 1947 था उसे अब 1973 कर दिया था। दोस्तों, कुछ नियम थे, कुछ चेंजेस भी आए थे। तो जो ये जो फेरा था 1973, इसको ऐसे टाइम में बनाया गया था जब देश, जो हमारा इंडिया था, वो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस का सामना कर रहा था। मतलब ये देश के लिए उस टाइम के लिए बहुत ही लार्ज प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम में क्या था दोस्तों, जो हमारी इकोनमी थी उसमें फॉरेन करेंसी की कमी आ रही थी। इस कमी का सामना करने के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज फंड के यूज़ पर कंट्रोल करने के लिए जो है ये फेरा 1973 जो एक्ट था उसे बनाया था। इसलिए फेरा को एस्टेब्लिश किया दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, फेरा के रूल्स और जो रेगुलेशन थे उनको अगर कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उसे दोषी माना जाएगा, और अगर वो दोषी पाया जाता है तो इसके लिए जो हमारा फेरा 1973 एक्ट था, इसके अंदर उस पेनल्टीज और प्रिजन यानी जेल की भी अरेंजमेंट की गई थी। दोस्तों, इन 1991 गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। इससे क्या दोस्तों, फॉरेन करेंसी के जो प्रति हमारी जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड था उसमें चेंज आया। इस पॉलिसी के चलते सरकार ने फॉरेन करेंसी के इनफ्लोज को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए। गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन कंपनीज में फॉरेन इक्विटी कैपिटल, यानी कि इंडिया की जो कंपनी थी, अगर कोई फॉरेन कंपनी आके यहाँ पे अपना शेयर या हिस्सा इंडियन कंपनी में डालती है तो वो सिर्फ 40% था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस 40% की जो हिस्सेदारी या भागीदारी थी फॉरेन इक्विटी कैपिटल यानी फॉरेन कंपनी की, उसको सम सेक्टर्स यानी कुछ सेक्टर्स के लिए पूरी की पूरी फुली 100% कर दिया दोस्तों। और कुछ समय के बाद गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के चलते इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज फंड्स में काफ़ी सारी बढ़ोतरी या इंक्रीजमेंट देखने को मिली। और इसी के चलते गवर्नमेंट ने ये एक्सपीरियंस या अनुभव किया कि जो फेरा 1973 है उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसके अंदर भी चेंज किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी सख्त थे। तो इसके स्थान पर एक न्यू सॉफ्टली एक्ट पारित या पास किया गया। तब सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में रेगुलेशन वर्ड जो था उसको हटा के उसके जगह मैनेजमेंट शब्द को जोड़ा। दोस्तों, ये जो फेरा था वो अब चेंज होके फेमा 1990 एक्ट बनाया गया। दोस्तों, फेमा के जो रूल्स और रेगुलेशन तो वो फेरा के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल, स्मॉल और आसान थे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जो फेरा था उसके अंदर जो हमारे टोटल सेक्शन थे वो 81 सेक्शन थे, जबकि जो फेमा 1999 था उसके अंदर ये सेक्शन घटा के सिर्फ 49 कर दिए गए। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर इंडियंस को फॉरेन में एम्प्लॉयमेंट के लिए या फॉरनर्स को इंडिया में एम्प्लॉयमेंट करने के लिए जो फेरा एक्ट था उसके तहत पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन आफ्टर फेमा ये जो परमिशन थी वो सारी ख़त्म कर दी गई। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा 1999। दोस्तों, इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये इस लाइन का ये मतलब है कि जो ये जो फेमा एक्ट है वो पूरे के पूरे ऑल इंडिया यानी कि पूरे भारत पर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा दोस्तों, इट ऑल्सो अप्लाइज टू ऑल ब्रांचेस, ऑफिसेस, एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। दोस्तों, यह जो भारत के बाहर सभी जितनी भी जो शाखाएं, ब्रांचेज या दफ्तर है एजेंसी के ऊपर भी लागू होगा, सिर्फ उन पर जो भारत के निवासी यानी कि रेजिडेंट्स का स्वामित्व या कंट्रोल है जिनके ऊपर। इसके अलावा दोस्तों, इट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जैन 2000। दोस्तों, ये जो एप्लीकेबलिटी है फेमा की वो
1 जनवरी 2000 से स्टार्ट है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ फेमा। दोस्तों इन्हें आप फीचर भी बोल सकते हो या मेन प्रोविजंस भी बोल सकते हो। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आइए बात करते हैं। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट वन है डेट इज़ टू रेगुलेट डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। दोस्तों जो फेमा की का जो सेक्शन 3 है वो ऐसे सभी फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन पर रोक लगाती हैं जिन्हें इस एक्ट के अकॉर्डिंग परमिशन नहीं दी गई है दोस्तों, या जिन्हें RBI से कोई सिंपल या स्पेसिफिक परमिशन प्राप्त न हो। अन्य भाषा में हम कह सकते हैं दोस्तों जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन जो हैं वो फेमा के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग या RBI की परमिशन से ही किए जा सकते हैं। तो दोस्तों फेमा के अनुसार हमारा जो फर्स्ट पॉइंट का सब पार्ट है, कोई भी पर्सन किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन नहीं करेगा जब तक वो ऑथोराइज्ड न हो। तो दोस्तों ये इसका फर्स्ट सब पार्ट था। देन सेकंड सब पार्ट है, कोई भी पर्सन इन रूल्स के तहत किसी भी ऐसे पर्सन को फॉरेन करेंसी की पेमेंट नहीं कर सकता जो भारत के बाहर रहता हो दोस्तों। तो आइए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की दोस्तों, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दोस्तों फेमा का सेक्शन 4 ये कहता है कि कोई भी पर्सन इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फॉरेन करेंसी न तो अपने पास रखेगा और न ही इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। दोस्तों हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है दोस्तों करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। दोस्तों फेमा का सेक्शन 5 ये कहता है कि ऑथोराइज्ड पर्सन के साथ जो करंट अकाउंट है उसके जरिए ट्रांजेक्शन की जा सकती हैं दोस्तों। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। दोस्तों फेमा का सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ये वो बोलता है कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन की जो परमिशन है वो मिली है हमें, पर कुछ कंडीशन में जो हमारा RBI है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी से इन ट्रांजेक्शन पर रोक या प्रतिबंध लगा सकता है दोस्तों। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों फेमा का सेक्शन 7 ये कहता है कि कोई भी एक्सपोर्टर RBI को या किसी ऑथोराइज अथॉरिटी को जो हमारी गुड्स और सर्विस की फुल एक्सपोर्ट वैल्यू के बारे में अपनी जानकारी देना उसके लिए ज़रूरी होगा। अगर RBI मांगे तो उसे ये सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह उपलब्ध या अवेलेबिलिटी करवानी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पेनल्टीज़। दोस्तों फेमा का सेक्शन 13 जो है वो ये कहता है कि यदि कोई पर्सन इस एक्ट के रूल या रेगुलेशन को तोड़ता है या उनको उल्लंघन करता है तो इस एक्ट द्वारा जारी किए गए जो ऑर्डर हैं या दिशा निर्देश हैं अगर वो उनका पालन नहीं करता तो वो जो पर्सन है उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और ये पेनल्टी जो है दोस्तों अगर इसको हमारी जो RBI है या कोई भी स्पेसिफिक अथॉरिटी है इसे 3 गुना कर सकती है या ये 3 गुना तक हो सकती है दोस्तों पेनल्टी। इसके अलावा दोस्तों ये जो पेनल्टी है वो 2 लाख तक हो सकती है, और यदि जो उसके द्वारा किया गया अपराध है वो जारी रहता है तो इसे 5000 रुपये प्रतिदिन की दर से इस पेनल्टी को एक्सेप्ट किया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनफोर्समेंट ऑफ पेनल्टी ऑर्डर्स। यदि कोई पर्सन पेनल्टी की राशि 90 डेज के अंदर नहीं चुकाता, यानी कि 90 डेज के अंदर अगर वो अपनी पेनल्टी को नहीं गवर्नमेंट को सौंपता तो उसे जेल भी हो सकती है दोस्तों। और ये जो जेल की जो पीरियड है जेल का वो 3rd ईयर तक रह सकता है दोस्तों। देन नेक्स्ट है दोस्तों अपील टू स्पेशल डायरेक्टर। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने केवल अथॉरिटी को ही कुछ पावर्स नहीं दिया दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर हमारी जो जनता है उसे भी सौंपी। अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन अपने खिलाफ पेनल्टीज या किए गए अपराध को कबूल ना करता हो या वो मानता हो कि मैंने जो किया वो ठीक है तो दोस्तों उसको अपील करने का भी जो है एक अपील करने का एक स्पेशल एक राइट दिया गया है दोस्तों। ये जो अपील है वो जिस अथॉरिटी के अधिकारी ने या अथॉरिटी के पर्सन ने जिसने भी ये डिसीज़न दिया है तो उस डिसीज़न के 45 डेज़ के अंदर वो पर्सन जिसके खिलाफ दिया गया है अपनी अपील कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अपील एंड ट्रिब्यूनल। दोस्तों अगर
वो एक बार अपील कर दे और वहाँ से दोबारा अगेन डिसीजन आ जाए, लेकिन वो जो डिसीजन आया उससे भी अगर वो पर्सन खुश ना हो तो वो अगेन 45 डेज के अंदर जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपनी अपील को दाखिल कर सकता है दोस्तों। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अपील टू हाई कोर्ट। दोस्तों अगर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के भी डिसीजन से निराश हो या खुश ना हो तो अगेन वो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो डिसीज़न दिया था उसके 60 डेज के अंदर अपनी अपील को हाई कोर्ट तक लेके जा सकता है दोस्तों। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पावर टू मेक रूल्स। दोस्तों ये जो एक्ट है फेमा उसकी उसका जो सेक्शन है 46 के अकॉर्डिंग जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस रेगुलेशन रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाने का एक राइट भी रखती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा जो फेमा है उसका पूरा का पूरा एक टॉपिक। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक